Before a few days, I have been watching anime a lot, like Death Note, One Punch Man, Weathering With You, Hello World, Your Name. Wow. Attack on Titans, and नारुतो, और भी न जाने कितने सारे। एंड एनीमे कितना अच्छा होता है ये मुझे तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग भी एनीमे देखते हैं उन लोगों को पता ही है कि एनीमे इज़ आउटस्टैंडिंग। एंड नाउ आई डिसाइडेड टू ड्रॉ नारुतो। आफ्टर दैट मैंने एनीमे ड्राइंग तो किया है, बट मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया, सो डैट मैं अभी पिंटरेस्ट से पॉपुलर एनीमे कैरेक्टर का अच्छा पिक्चर डाउनलोड कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट मैं योर नेम एनीमे मूवी का टाके को ड्रॉ करूँगा। प्रैक्टिस करने का जो प्रोसेस है उसके लिए एक सर्कल एंड आइज के लिए दो लाइंस, नोज़ के लिए और माउथ के लिए दो अलग लाइन है। एंड ये जो लाइन मैं अप्लाई करता हूँ वो रेफरेंस को ऑब्जर्व करके ड्रॉ करता हूँ, एंड रफली ड्रॉ करके इरेज करने के बाद लाइन को स्मूथली ड्रॉ करता हूँ। एंड नेक्स्ट ड्राइंग मैं सकुरा का करूँगा, जो कि नारुतो का मोस्ट हेटेड कैरेक्टर है, बट फिर भी ड्राइंग के लिए चल जाता है। एंड मैं वही मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, एंड ये मेथड मेरा फेवरेट है। एंड इस मेथड से ना तुम कोई भी पोर्ट्रेट ड्राइंग का आउटलाइन इजीली निकाल सकते हो। अभी मैं साइटामा को ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि वन पंच मैन का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, एंड मुझे साइटामा बहुत अच्छा लगता है। ओके सो अभी मैं जुजुत्सु काइसेन एनीमे का सुकुना को ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आउटलाइन के लिए क्या यूज़ करता हूँ, तो आउटलाइन के लिए बेसिकली हमेशा मैं मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करता हूँ। एंड तुम कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, बस तुम रफली ड्रॉ करने के लिए एच बी पेंसिल्स का यूज़ करना। एंड जो लाइन है जो कि स्मूथली ड्रॉ करने के लिए और उसको डिटेल ऐड करने के लिए 2B पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली तुम कोई भी स्केच करो या कोई भी पेंटिंग करो, आउटलाइन जो है वो रफली ड्रॉ करे ना, उसके ऊपर जो लाइन है उसको स्मूथली ड्रॉ करो और जो डिटेल है उसको भी ड्रॉ करना। अगर तुम्हारा जो आउटलाइन है वो एक्यूरेट होगा तभी जो पर्सन जो कि तुम ड्रॉ कर रहे हो वो तुम्हारे आउटलाइन के साथ मैच करेगा। ओके सो इट्स डन। एंड अगर तुम एनीमे देखते हो तो तुम्हारा फेवरेट एनीमे कैरेक्टर का नाम कमेंट पर ज़रूर बताना, कोई भी हो सकता है, ज़रूर बताना। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट पेंटिंग ऑफ नारुतो। तो ये रेफरेंस मैंने चूज़ किया है। फर्स्ट मैं एच बी पेंसिल से रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने डिटेलिंग ड्रॉ नहीं किया है, और जो लाइन है वो भी मैंने स्मूथ नहीं किया है। और इसमें मैंने बस रेफरेंस के अकॉर्डिंग कहाँ पर क्या होना चाहिए, आइज नोज कहाँ पर क्या होना चाहिए, उसकी एक्यूरेट साइज़, और जो ऑब्जेक्ट्स है जो मैंने ड्रॉ किया है वो ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और ज़्यादा छोटा ना हो जाए, उसका भी मैं ध्यान रख रहा हूँ। एक परफेक्ट आउटलाइन बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आउटलाइन मैंने बनाया था रफली वो मैं लाइटली इरेज कर रहा हूँ, और उसके ऊपर मैं लाइन को स्मूथली और थोड़ा सा प्रेशर का अप्लाई करके एंड डिटेलिंग को भी ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड नाउ इट्स टाइम टू कलरिंग, और कलरिंग के लिए मैं सिंपल डॉम्स का पोस्टर कलर का यूज़ करूँगा। और ये ब्रश, ये प्लेट, और ये है ब्रश पेन, और इसे मैं वाटर ड्रॉप कर रहा हूँ और उसके बाद ब्रश पेन से पूरा बैकग्राउंड को बिगाड़ रहा हूँ एंड देन ऑरेंज कलर से मैं बैकग्राउंड को फिल कर रहा हूँ और उसके बाद कलर को मिक्स करके मैं जो पेंट है वो कर रहा हूँ। एंड पेंटिंग ना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, हमें बस कौन सा कलर मिक्स करने से कौन सा कलर होता है वो हमें ध्यान रखना होता है, यानी हमें याद रखना पड़ेगा। और जो ब्रश है उसके जस्ट आगे वाले करना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना। और पोस्टर कलर में ना वाटर का ज़्यादा यूज़ मत करना। एंड कोई भी एनिमे शो में ना जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कैरेक्टर होते हैं उसको अलग दिखाने के लिए जो ब्लैक लाइन का यूज़ करते हैं, उसके लिए मैं 10 रुपये वाली ब्लैक बॉल पेन का यूज़ कर रहा हूँ और इससे मतलब मैं स्मूथली ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड यस, मैं नारुतो देखता हूँ। अभी मैं नारुतो के 165 एपिसोड में हूँ। मैंने 1 महीने से ही नारुतो देखना स्टार्ट किया। एंड मैं बता रहा हूँ, नारुतो ना एनीमे इतना अच्छा लगा मुझे, मतलब जितने भी एनीमे देखा सभी बहुत बेस्ट है। बट ये नारुतो की स्टोरी, मतलब नारुतो एनीमे का जो स्टोरी है, कैरेक्टर्स, विलेन, मतलब माइंड ब्लोइंग, मतलब ऑसम, बहुत cool, मतलब मुझे ना बहुत अच्छा लगा। एंड जब भी मैं उसको देखता हूँ, खासकर फाइट सीन, मतलब क्या मस्त फाइट सीन है। तो इसीलिए मैंने नारुतो को ही ड्रॉ करना सही समझा, मतलब मुझे मन कर रहा था उसको ड्रॉ करने। ओके सो गाइस, ये पेंटिंग या ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है और मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद पोस्टर कलर कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओके सो नाउ एंजॉय द फाइनल रिवील। आई होप इफ़ यू इन्जॉय दिस वीडियो। एंड मेरे इस चैनल पे बहुत जल्द कुछ नया आने वाला है, सो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड सी यू अगेन, बाय।